और चलिए अब रुख कर लेते हैं हजारीबाग का। हजारीबाग में क्या कुछ है मौसम का मिजाज ये समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि वहां पर रथ यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, कितना उत्साह है भक्तों के बीच, और उसके बाद और भी क्या कुछ वहां पर गतिविधियां हैं इसको भी देखेंगे। लेकिन पहले मौसम की बात करेंगे। शशांक, देखिए झारखंड के कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी जो बारिश का ग्राफ है शशांक वो नीचे है, बारिश का लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या आपके जिले का भी कुछ ऐसा ही हाल है? शशांक, आवाज मिल रही है आपको हमारी? तो झारखंड के कई जिलों में मानसून के प्रवेश के बाद भी उस दर्जे की बारिश नहीं हो रही है और किसान जो है वो भारी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, ताकि भारी बारिश जब हो तो वो अपनी खेती की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर सकें, और एक व्यापक तौर पर जो बारिश की संभावना होती है वो देखने को नहीं मिली है कई जिलों में। हजारीबाग से हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक जुड़े हुए हैं। शशांक, देखिए झारखंड के कई जिले ऐसे हैं शशांक जहां पर अभी भी भारी बारिश का इंतजार है, बारिश का ग्राफ नीचे है। हजारीबाग का क्या कुछ हाल है? लेकिन अगर हजारीबाग में भी बारिश का इंतजार लोग कर रहे हैं और हजारीबाग में भी औसत बारिश अभी बहुत कम हुई है। 40% बरसात हजारीबाग जिले में दर्ज की गई है, 60% अभी भी कम है। और 2 दिनों से बात करें तो कल से यहाँ पर धूप निकला हुआ है, तेज धूप है, जिससे लोगों को अब गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा है। वो जो बरसात वाली गर्मी, उमस वाली गर्मी है, उससे सामना करना पड़ रहा है। बादल तो आ रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है, इससे किसानों में चिंता है। कई तरह के फसल जो अभी लगाए जाते हैं, मक्का का फसल हो गया, धान का बिचड़ा डालने का जो प्रक्रिया होता है, कुछ किसानों ने धान का बिचड़ा डाल दिया है, लेकिन उन्हें भारी बारिश का अभी भी इंतजार है ताकि वह धान का रोपाई कर सके, मक्के की खेती हो सके। इन सभी चीजों के लिए बारिश का इंतजार किसान कर रहे हैं। लेकिन हजारीबाग जिले की बात करें तो हजारीबाग जिले में अभी भी बारिश औसत से काफी कम दर्ज की गई है, जो चिंता का विषय है। नहीं, बिल्कुल, हजारीबाग में अभी भी भारी बारिश का इंतजार है, लोगों को बारिश का ग्राफ बढ़ने का इंतजार है। शशांक, देखिए आज से रथ मेले की भी शुरुआत हो रही है। झारखंड के कई जिलों में बड़े ही भव्यता और दिव्यता के साथ रथ मेला को मनाने की जो परंपरा रही है वो इस बार भी देखने को मिलेगी। हजारीबाग में क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या उत्साह है? देखिए हजारीबाग के सिलवाड़ में जगन्नाथ मंदिर है, वहां पर विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है और आज के दिन उस मेले की शुरुआत होती है। तो जगन्नाथ मंदिर में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दो नवीन, पिछले साल इसी दिन, जगन्नाथ मंदिर के दिन ही वहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें कई लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। बरसात का मौसम था, वज्रपात होने से कई लोगों की जान चली गई। तो इस बार उन सभी चीजों की तैयारियों को दुरुस्त कर लिया गया है, वहां पर तड़ित चादर लगा दिए गए हैं और सुरक्षा के वहां पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। काफी भीड़ आती है वहां पर, महिलाओं पुरुषों की, तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम पुलिस प्रशासन ने किया है। और उसके अलावा बात करें हजारीबाग में अन्य जगहों पर, तो चौपारण प्रखंड में इस्कॉन के द्वारा भव्य रथ यात्रा निकाला जाता है, जिसमें आज हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। इस्कॉन इस रथ यात्रा की खासियत यह है नवीन कि इसमें विदेशी पर्यटक भी शामिल होते हैं। 2 सालों से यह रथ यात्रा वहां निकाला जा रहा है और अब यह रथ यात्रा काफी सुर्खियों में रहता है। विदेशी पर्यटक हरे राम हरे कृष्णा के साथ झूमते नाचते गाते इस पूरे रथ यात्रा में शामिल होते हैं, झाड़ू लगाते हैं। तो हजारीबाग के विभिन्न क्षेत्रों में आज जगन्नाथ मंदिर जहाँ है वहां पर पूजा होगी, कई जगह रथ यात्रा निकाले जाएंगे। पूरा हजारीबाग जगन्नाथ के भक्ति में डूब गया है और लगभग प्रशासनिक दृष्टि से भी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और लोग भी अब इसमें शामिल हो रहे हैं। जैसे हमने बताया आपको कि जगन्नाथ मंदिर जहाँ मेला लगता है वहां सुबह से ही काफी भीड़ आ चुकी है नवीन। चलिए, तो हजारीबाग जिले में भी खासा उत्साह है जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर और लोग इसे विशेष तरीके से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। एक और खबर है शशांक जिस पर आपसे अपडेट लेना चाहेंगे।
भ्रूण हत्या मामले में न्यूज बाइस्कोप की खबर का असर देखने को मिला है और जिला प्रशासन ने त्वरित एक्शन लेते हुए कई ऐसे सेंटरों पर कार्रवाई की है, एक्शन लिया है जो नियम के विरुद्ध जाकर चीजों को अंजाम देने में लगे हैं। क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? देखिए, कुछ दिन पहले हमने एक भ्रूण हत्या की खबर दिखाई थी जिसमें अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जांच करवाकर लड़की पता होने पर उसका अबॉर्शन करवाने के दौरान बच्चे की मौत होती है, मां की मौत होती है और इसे अब जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है। हमने इस खबर को काफी प्रमुखता से दिखाया था और कल डीसी हजारीबाग नैन्सी सहाय के निर्देश पर विभिन्न जिलों विभिन्न प्रखंडों में औचक निरीक्षण किया जा रहा है तथा वैसे अल्ट्रासाउंड जो इस गलत काम को कर रहे हैं, भ्रूण जांच कर रहे हैं, उन्हें औचक निरीक्षण कर जांच कर चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। कल केरेडारी बड़का गांव क्षेत्रों में कुछ जगहों पर औचक निरीक्षण किया गया, एक अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील भी किया गया है। और वही बात करें उस महिला की जिसकी मौत हुई थी, तो उस अस्पताल पे भी अब सिविल सर्जन ने हमें जानकारी दी है कि उस अस्पताल पे भी जांच बैठा दी गई है। उस आशा दीदी जिसके माध्यम से, जो गाँव में आशा दीदी होती है जिसके माध्यम से महिला भ्रूण जांच करवाने के लिए अल्ट्रासाउंड केंद्र गई थी, वहां से फिर उस आशा किरण नर्सिंग होम गई थी जहां पर उसका अबॉर्शन किया जा रहा था। इन सभी चीजों पर तीन सदस्यीय टीम बनाकर जांच की जा रही है और यह खबर का असर हुआ है कि ऐसे जघन्य अपराध करने वाले लोगों को अब जिला प्रशासन कड़ाई करने के मूड में दिखाई दे रहा है और जांच कर तथा वैसे अस्पताल, निजी अस्पताल जो इसमें शामिल है, उनकी भी जांच कर कार्रवाई करने के मूड दिखाई दे रहा है तथा आशा किरण नर्सिंग होम की बात करें जहां पर यह घटना घटी थी, जहां पर इस महिला की मौत हुई थी, उस पर भी कार्रवाई करने की बात जिला प्रशासन कह रहा है। नवीन, बिल्कुल, जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाई है और वो तत्परता जो है वो पूरे समाज में एक जागरूकता फैलाने का काम भी करेगी। शशांक, जो भी लोग इस तरीके का सोचते हैं, इस तरीके की मंशा को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये खबर बेहद अहम है क्योंकि इससे ना सिर्फ जागरूकता फैलेगी बल्कि वैसे लोगों तक ये संदेश भी जाएगा जो इस तरीके की कार्यप्रणाली में शामिल हैं, जो इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं जिला प्रशासन ने की है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरह के अपडेट्स देने के लिए। आपने मौसम की जानकारी दी, रथ मेला को लेकर भी आपने बताया कि हजारीबाग में क्या कुछ इंतजाम है, इसके अलावा न्यूज़ बाइस्कोप की खबर का जो असर हुआ है हजारीबाग में उस पर भी हमने आपसे विस्तृत चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।